नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी ऑन पहली बातें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल रिस्पांस टू माय चैनल पहली बातें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि रोडीज ऑडिशन इज फेक और रियल। बिकॉज जितने लोग ऑडिशन देते हैं या जो नहीं देते हैं, उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भरा रहता है कि वेदर रोडीज जो ये रियलिटी शो क्लेम करता है वो रियल है या फेक है। तो मैंने ऐसे ही लंबे टाइम से दे रहे हैं रोडीज ऑडिशन, एक साल जो पहली बार आए या पांच साल दस साल, मैंने उनसे जानने की कोशिश की एग्जैक्टली जीडी राउंड में होता क्या है या फिर उन्हें क्या चाहिए या रोडीज रियल है या फेक है। तो पहले मैंने जानने की कोशिश की उनकी एक्सपीरियंस, जो इस साल उन्होंने रोडीज एक्सट्रीम की ऑडिशन दी वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए आइए जानते हैं कि उनकी ऑडिशन कैसी रही। कि मैं जीडी में गया, ठीक है, और मुझे वो लोग बोलने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। टॉपिक था मेरा प्रोस्टिट्यूट पे, ठीक है। मैंने उनसे साफ बोला कि सर देखो, इस टॉपिक के बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं है, आप जो है वो बोलो। मैं कहा ठीक है सर। तो बस उन्होंने उसके बाद टॉपिक पे डिस्कस किया, हमने बहस किया, और फिर उन्होंने पूछा कि आपका पीआई में आप इंटरटेन करने के लिए ऑडियंस को क्या करोगे। तो मैंने कहा सर, मैं डांस करूंगा, सिंगिंग करूंगा और फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर उनको मन होगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। okay. या मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही केस हुआ। मैं तीन साल से एक ही जो खुशबू मैम है वही मुझे मिलती है हमेशा। उन्होंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, पर मुझे लगता है कि मैं आगे भी रोडी बन सकता हूँ, पर हर चीज में तू चुप बैठ। मैंने ये करके नहीं, मेरे को नहीं सुननी, तू रोडी क्यों बनना चाहता है, लेट्स ऑल। पर इसके लिए पर जीडी बहुत अच्छा रहा, मैं अपने आप से खुश हूँ कि मैंने जितना ट्राई किया, उन्होंने मना किया, फिर भी मैं रोडी हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। जीडी में चांसेस इसलिए नहीं मिलते, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, हम सबको बहुत बोलना होता है, एक एक घंटे तक भी बोल सकते हैं। ऑडिशन एक महीने नहीं चलाना, एक दिन में लेना होता है। आई एम एग्री, अगर चांस नहीं मिलता तो बहुत फेडअप होते हैं। मेरे को पिछले तीन साल से मेरे को भी नहीं मिल रहा था, अब की बार लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करके आऊँ जो पिछले तीन साल से शेयर करना चाह रहा था, दिल पे था, दिमाग पे था, हल्का हो गया, चांस मिला, बोल गया, नॉट सिलेक्टेड, हार्ड लक, विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। स्क्रिप्टेड होता है या थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल नहीं, वो स्क्रिप्टेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, तो ही तो हम आ रहे हैं। वो सीधा सीधा गेम में ऐसा है कि आप डिजर्व करते हो, गेम में जाते हो, अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं वोट आउट नहीं होना चाहिए, ये बंदा गेम के लिए डिजर्व है और ये बंदा उन कंटेस्टेंट में से ज्यादा डिजर्व करता है ये पर्सन, तो वो लोग बस कोशिश करते हैं उनको सेव रखने की। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, पिछले वो लोग वो लोग मौका देते हैं। बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका भी मिला, और मैं जब जब मौके बना रहा था मुझे मॉडरेटर बोलने भी दे रहा था, एक मॉडरेटर मुझे चुप भी करा रहा था, बोल रहा था मैं बाहर भेज दूंगा तुझे, तू बाहर चले जा, बट मैं सॉरी बोल रहा था तो फिर कंटिन्यू हो रहा था, बट मैं बोलने का मौका भी ले रहा था। मेरा सबसे अच्छा जीडी मेरा कल गया है, बहुत मेरा बेस्ट जीडी रहा है, ठीक है, बट नहीं आया कॉल, क्या कर सकते, उनको मेरे में वो स्पार्क नहीं दिखा होगा जो वो लोग ढूंढ रहे, बट वो मैं स्पार्क मेरा लेके आऊंगा। स्क्रिप्टेड नहीं स्क्रिप्टेड, आज तक कोई ऐसा मुझे रोडी बता दो जो बड़े एक बैकग्राउंड से आया हो, सब अपनी हार्डवर्क से प्रिंस मिस्टर प्रिंस पंजाब बन के आए यहाँ, तो वो डिजर्विंग है क्योंकि उन्होंने इतना सब डिजर्व करके आए हैं। अगर आप कोई भी चीज डिजर्व करके आओगे तो फॉर श्योर, अगर दूसरा बोले कि भाई ये तो फिक्स है, तो डजंट मैटर, आपकी अकल खराब है जो ऐसा बोलता है। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने अपनी रोडीज एक्सपीरियंस शेयर की हमारे साथ ऑडिशन की, कहते हैं कि रोडीज की जो जीडी राउंड होती है, जो पहली राउंड होती है, उसमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो उसमें हम खुद को कैसे शो कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इनकी सोच क्या है, वेदर रोडीज ऑडिशन में जो टाइम मिलता है वो कम है या अप्रोप्रिएट है, या मॉडरेटर को नेग्लेक्ट करना होता है कैंडिडेट्स को इसलिए वो कम टाइम देते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आगे जो अच्छे बच्चे आगे उनके पहले वो लोग फॉर्म कर देते हैं, और सेकंड में बोर हो जाते हैं लोगों का चेहरा देख देख के हमसे, और अजीब अजीब भी रोडीज जो बनना चाहते हैं अपने टाइम पास के लिए। बट नहीं, इस चीज पे ये भी तो हो सकता है, पहले वाले सिलेक्ट ना करते हो, वो ये वेट करते हो कि लास्ट में अच्छे आएंगे, चांसेस दोनों है। देखो, आप बंदे के मॉडरेटर के जो जीडी ले रहा उसके माइंड पे हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी अपनी बातों के साथ। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं सारी चीजों से, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग आपको उतना टाइम दिया जाता है जिसमें आप खुद को प्रूव करो, दो मिनट चार मिनट आपको पूछा बहुत है। बट मैंने पीछे पाँच बजे के बाद जो बच्चे आ रहे थे ऑडिशन देके, उनसे मेरी बात हुई, लोगों ने ऐसा बोला कि हमको इतना कम टाइम दिया, बस रोडी क्यों बनना चाहते हो,
हाँ सुन लिया सुन लिया, चलो जाओ चलो ऐसा कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी जो बातें होती है रोडीज के अंदर, के पहला क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले पूछेंगे कि आप रोडी क्यों बनना चाहते हैं। मुझसे तो वो भी नहीं पूछा कि जब मैंने पूछा कि मैडम मैं आप रोडी क्यों बनना चाहता हूँ, चल चुपचाप मेरा अंदर ना सोच चलता है ना पैसे चलते हैं। अगर एक ग्रुप गया जो ग्रुप में दमी ना हो, रिजर्व करते हो जो बोल रहे हो ना, तभी आप गेम में आ सकते हो। बैठे रहते भाई, उनका शो है, हम सुबह 5 बजे से लाइन में रहते हैं, रात भर लाइन में ठंड में मरते हैं। ऑब्वियसली बात है, मतलब ये आप इतने क्रेजी हो, आप इतने क्रेजी हो, पहले जाओ ना। सही बात है, बट जो एक ग्रुप गया वो ग्रुप में अगर दमी ना हो, वो कितने साल से लोग ले रहे ऑडिशन मेरे भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, लिसन एक एक दोस्तों, जैसे कि फॉर्म लोग ऑडिशन देते हैं, जीडी राउंड देते हैं, उनको लगता है कि यस आई एम इनफ कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा ये उन्हें लगता है, पर समटाइम्स ऐसा कहा जाता है कि जो फॉर्म हम भरते हैं वो भी मैटर करता है सिलेक्शन में। इनसे कोशिश करते हैं, क्या एक फॉर्म किसी भी रोडीज का ऑडिशन का जो डिसीजन होता है वो कितना अफेक्ट करता है। मतलब 50% फॉर्म के ऊपर सिलेक्शन होता है। देखो, अगर आपने सिलेक्शन के लिए फॉर्म में गालियां गुलियां ये वो कर रखी हैं कि भाई हाईलाइट होके आगे फॉरवर्ड होना है, हाँ फोर श्योर वो लोग आपको लेंगे, लेकिन वो चीज लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई इस चीज से सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होता है। देखो फॉर्म में क्या है, आपकी सारी पर्सनैलिटी, आप क्या हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, मेंटेलिटी, हाँ आपकी मेंटेलिटी क्या है, या आप क्या कर सकते हो, या आप में स्पार्क क्या है, वो सारा फॉर्म के अंदर कवर कर देते हैं। तो क्या एक फॉर्म में 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन में आपकी पूरी लाइफ होती है। 80% जीडी डिसाइड करता है, 20% फॉर्म डिसाइड करता है। और ये जो बोल रहे हैं मेरे को एक मिनट, ये जो 15% देख के बच्चों को देखती है, मैं पहचान जाता हूँ कितना दम है। अरे भाई आप बोलने दोगे तभी तो दम दिखाई देगा, और फॉर्म किसी का करियर सेट नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ 20 सवाल नहीं। ओके, वेदर जो ये ऑडिशन होते हैं इनके हिसाब से ये फेक है या रियल है, इनका क्या व्यू है जानते हैं? लगता नहीं, अगर जो ग्रुप में दम नहीं है तो वो ग्रुप के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करा जाता है, क्योंकि वो लोग 15-15 साल से ऑडिशन ले रहे, वो लोग 15-15 साल से मॉडरेटर है, 10-10 साल से मॉडरेटर है, वो लोग बंदे को देख के पहचान जाते हैं। एक मिनट वो बंदे को देख के पहचान जाते हैं किसमें कितना ताकत है, ठीक है, किसमें कितना पावर है वो देख के पहचान जाते हैं। तो वो ग्रुप को एकदम कम टाइम लेके और हटा देते हैं। कि ये आप बताइए, मजबूत कौन आदमी दिखता है, किससे आप पहचान सकते हो कि 15 बंदे आए? वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और बॉडी से बॉडी की बात नहीं करता है। ओके ओके ओके, ठीक है उनका है, वो उनकी शो है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। थोड़े बहुत होते हैं और हम लोग देखते हैं ना, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग को लगता है दूर कर दो कि ऐसा वैसा है, लेकिन अजय हुड्डा स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे साथ लाइन में था, मेरे से आगे ओशियन मेरे साथ, मेरे जीडी में था, चिरंजीवी मेरे साथ था, आज इतने आगे शिव ऑल्सो हमारे साथ था, आज वो आगे अपनी मेहनत से, हम भी उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि बच्चा वहाँ पहुंचा, लड़का अच्छा कर रहा है। पर जो मेरे कल एक बंदा, एक मेरे पास एक बंदा था, वो भी गुजरात का था, वो बोला सर 10 लाख फेंक सकता हूँ, मुझे जीडी पास करा दो। उन्होंने क्या बोला मालूम है, भाई तेरे से बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, सब तेरे लिए बराबर है, तुम जाओ। नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप कैंडिडेट अच्छे नहीं हो, तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे में मसाला नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भाई अच्छे को डिजर्विंग को चांस मिले। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, जो ग्रुप में ही दम नहीं रहता है वो ग्रुप को कम से कम टाइम देके हटा देते हैं। आप एक बात बताइए, ग्रुप को कैसे दम दिखाई देगा? अच्छा, थोड़ा सा तैयार करना चाहिए खुद को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, विदाउट प्लानिंग प्लोटिंग, क्योंकि प्लानिंग कुछ बात चलती नहीं है। तो जैसे आप लोग बोल रहे हो, नहीं कर सकते, खुद को कितना भी तैयार कर लो, कितना भी ट्रेन कर लो, ऐसा कुछ वहाँ नहीं पे है। आपको माइंड पे हिट होना ही पड़ेगा, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप सब कुछ दुनिया में अपने लाइफ में देखते हुए आए हो उस नीच, तो ही आप। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें कमेंट करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मस्ट लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके दोस्त को भी जो डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर हो सके, बिकॉज वी प्राउड टू बी अ रोडी। बट अगर आपको हंसना पसंद है या आप हंसना चाहते हो, तो एक चैनल और है जिसका नाम है कार्तिक खेड्स, आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो और न्यू वीडियोज जो अपलोड होते हैं आप उन्हें देख सकते हो, हंस सकते हो दोस्तों के। लिंक कार्तिक खेड्स का मेरे कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।